नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं, वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है ताइवान थैंक्स इंडिया फॉर हेल्प अगेंस्ट चाइना, चाइना आस्क इंडिया टू फॉलो वन चाइना पॉलिसी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लग रहा है, तो चलिए देखते हैं भाई कि लोग जो हैं इस पर, पाकिस्तान के लोग जो हैं इस पर क्या बयान देख रहे हैं, क्योंकि चाइना तो उनके लिए बहुत कुछ है ना, आयरन ब्रदर है, डीपर देन ओशियन संबंध है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं इस पर क्या बोल रहे हैं। कि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। खबर यह है कि अभी रिसेंटली ताइवान ने ऑफिशियली थैंक यू किया है इंडिया का कि अगेंस्ट चाइना के उनके साथ देने के लिए चाइना ने इंडिया से मदद तलब की है इस बारे में कि वो ताइवान के खिलाफ चाइना का साथ दें। तो इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक से रिव्यू लूंगा, पाकिस्तानी पब्लिक से बात करूंगा कि क्या इंडिया इतना पावरफुल हो गया कि एक दफ़ा चाइना को बायकॉट करने के बाद भी दोबारा भी चाइना इंडिया से हेल्प तलब कर रहा है। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के रिव्यू लेते हैं, आइए मेरे साथ। जी तो क्या हमारे साथ एक भाई मुझे तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। यार ताइवान और चाइना के दरमियान, अच्छा एक चीज़ समझ में नहीं आई कि गर्मी के दिन में इन्होंने ये शॉल टाइप की चीज़ ओढ़ रखी है, लाहौर में ठंडी आ गई है क्या, पता नहीं, मतलब देख के लगा मुझे। मैं जंग लगी हुई है, आपको पता ही होगा कि उनके दरमियान जंग लग रही है कि दो दो जो उनसी ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कुछ कुछ कंट्रीज जो कि वो चाइना के साथ हैं, तकरीबन 150 कंट्रीज चाइना के साथ हैं और तकरीबन 50 जो कंट्रीज हैं वो ताइवान के साथ दे रही हैं। क्या समझते हो आपके अभी रिसेंटली ताइवान ने स्पेशल थैंक यू किया इंडिया का कि हमारा साथ देने के लिए ताइवान में, चाइना ये कह रहा है कि इंडिया को कह रहा है कि आप हमारा साथ दे दो, क्या इंडिया को चाइना का साथ देना चाहिए या नहीं? नहीं देखें ना, बेसिकली ताइवान और वो जो है ना इसी तरह का मसला है कि वो कह रहे हैं चाइना कह रहे हैं हमारा है और ताइवान कह रहे हैं नहीं हम अपना सोवरेन स्टेट हैं। तो इंडिया जो है ना, इंडिया के तो चाइना के साथ वैसे भी बॉर्डर इश्यूज़ हैं, तो इंडिया उसका मतलब हक बनता है कि वो ताइवान को सपोर्ट करे, क्योंकि इंडिया के वैसे भी उसके साथ मसले चल रहे हैं ना, चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज़ हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इंडिया के हक में भी और उसे ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ताइवान कमज़ोर मुल्क है जबकि चाइना बहुत बड़ी ताकत है ताइवान के। अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो जो एक मुआहदा हुआ था चाइना और इंडिया के दरमियान, नेहरू ने जो मुआहदा किया था, क्या उस मुआहदे को, उस मुआहदे से मुकर जाना चाहिए इंडिया को? बिल्कुल, अगर मतलब हक की बात देखना चाहिए मुआहदे को, वो तो बिल्कुल है अपनी जगह, लेकिन उनको यहाँ पर जो है ना चाइना नाजायज़ कर रहा है उसके, क्योंकि वो उसकी इंटीग्रिटी को ख़त्म करना चाहता है, उसको अपना हिस्सा बनाना चाहता है। वो बात तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपकी, लेकिन जब मुआहदा हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जवाब इसलिए आ रहा है कि अगर 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 चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तब तो फिर इंडिया भी ऐसे ही करके POJK पर कब्जा कर लेगा, और तब चाइना, इनको लग रहा है कि फिर तब तो चाइना कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि चाइना ने ताइवान के साथ वही किया, वही काम इंडिया कर रहा है करेगा। तो मुझे लग रहा है कि इस चक्कर में अब ये फंस गए, देखा पाकिस्तान के लोग फंस गए, अब ये समझ नहीं पा रहे कि किसको सपोर्ट करें, क्योंकि एक तरफ अगर चाइना को सपोर्ट करते हैं तो फिर उन्हें इंडिया ने अगर ऐसा किया तो फिर चाइना इंडिया को सपोर्ट कर देगा, और अगर ताइवान को सपोर्ट करते हैं तो भाई चाइना के खिलाफ जा रहे हैं। अब बेचारे करें तो क्या करें, बुरे फंस गए भाई। हुआ था तो ये मुआहदा हुआ था कि आपने सिर्फ और सिर्फ चाइना को मानना, चाइना का सिर्फ और सिर्फ आपने ये मानना कि एक ही चाइना, बाकी दुनिया में दूसरा चाइना नहीं है। अब ताइवान ताइवान को उस हिसाब से, जैसे कि USA भी उसके साथ, ताइवान के साथ इंडिया भी, तो कश्मीर इशू पे चाइना भी तो फिर हमारा साथ दे रहा है ना, इंडिया का साथ नहीं दे रहा है, तो वो भी एक किस्म से वो भी तो वायलेशन कर रहा है नेहरू एग्रीमेंट का। बिल्कुल, नेहरू एग्रीमेंट का वायलेशन वो भी कर रहे हैं, तो अगर ये वायलेशन कर देते हैं तो फिर अगर ये इसका तो फिर क्या अंजाम हो सकता है? जाहिर सी बात है डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे इंडिया और चाइना के बीच, और मसले होंगे उनके दरमियान, रिलेशंस ख़राब होंगे, ट्रेड को भी नुकसान होगा उनके। सही, तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप, अगर अगर ऐसा कुछ होता हो जाता तो दोनों इंडिया और चाइना के दरमियान अगर जंग हो जाती तो फ्यूचर क्या देखते हैं? फिर साउथ एशिया का पीस प्रोसेस जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चाइना भी साउथ एशिया में एक बड़ी पावर है और इंडिया भी ऑलमोस्ट एक बड़ी पावर बन चुकी है अपने आप को। तो क्या समझते हो आपके, पीस होना चाहिए या जंग होनी चाहिए? देखें जंग कोई भी नहीं चाहता है, एज इट इज़ 21st century, तो कोई भी जंग तो नहीं चाहता है, लेकिन हालत इम्पोज कर देते हैं, जिस तरह हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया में भी इसी तरह हुआ, दुनिया जंग नहीं चाह रही है लेकिन हो रही है, मजबूरी करना पड़ रहा है ना। सही,
इंडिया क्यों ताइवान का साथ दे रहा है? अभी रिसेंटली ताइवान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पेशल थैंक यू किया, थैंक यू का मैसेज भेजा हर तरफ, हर एक न्यूज़ ने ये कवर किया कि उन्होंने भाई ताइवान ने थैंक यू करके ये कहा कि ताइवान 50 कंट्रीज़ ताइवान के साथ दे रही हैं जो कि चाइना के साथ जंग है, और चाइना ये बता रहा है कि 150 कंट्रियाँ जो कि हमारे साथ हैं जो कि इस जंग में वो हमारा साथ दे रही हैं। इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, क्या समझते हो आप? ये सच्चाई है, आपको लगता है कि दुनिया में 150 अलग कंट्री और 50 अलग कंट्री, 200 प्लस कंट्रीज़ हैं? देखिए 200 कंट्रीज़ तो हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो जो 50 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। उसमें देखिए यूके है, उसमें देखिए फ्रांस है, उसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया है, उसमें देखिए अमेरिका है, उसमें देखिए इंडिया है, उसमें एंटी चाइना जितनी कंट्रीज़ हैं वो सब हैं। तो सोचिए कि आधे से ज़्यादा जो पावरफुल कंट्रीज़ और बड़ी कंट्रीज़ हैं वो चाइना के ख़िलाफ़ हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? और छोटे 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 आइलैंड टाइप के कंट्रीज़ का समर्थन लेके चाइना क्या करेगा? भाई अमेरिका के ख़िलाफ़, चलिए एक रशिया मान लीजिए हो सकता है कि साथ दे दे, लेकिन रशिया और चाइना से तो बात बनेगी नहीं भाई। एक तरफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, आप समझ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कितनी बड़ी बड़ी और पावरफुल कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन, कितनी बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं। तो देख लीजिए 200 तकरीबन तो हैं, 290 के करीब कंट्रीज़ हैं मेरे ख्याल से, या नहीं 194 यूएन के जो मेंबर हैं तो 194 के करीब हैं, मतलब अभी बाकी जो है ना कुछ। अभी यूएन के मेंबर भी वो जो बता रहे हैं कि भाई चाइना कह रहा है कि मेरे साथ 150 है और ताइवान कह रहा मेरे साथ 50 है, तो ये इतनी कंट्रीज़ इतनी है जो यूएन के उसमें शामिल है? 200 194 मैंने तकरीबन काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, अभी शायद क्योंकि सिचुएशन चेंज हो रहे हैं, मुल्क बन रहे हैं, तो हो सकता है 200 शायद। ठीक है, मैं बिज़नेस करता हूँ। माशाल्लाह वेरी नाइस, किस चीज़ का बिज़नेस? हमारा सर्जिकल डिस्पोजेबल का, हॉस्पिटल सप्लाईज कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही बड़ा बिज़नेस, बहुत अच्छा बिज़नेस है आपका। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि ताइवान और चाइना के दरमियान आपको पता ही है जंग लगने जा रही है इन फ्यूचर में। इसमें दो टीमें बनी हुई हैं, टीम ए और टीम बी। टीम ए जो के है वो चाइना को सपोर्ट कर रही है, टीम बी जो के है वो के ताइवान को सपोर्ट कर रही है। ताइवान और चाइना में इसलिए जंग है कि चाइना ये समझता है कि ताइवान भी हमारा हिस्सा है और ताइवान ये कहता है कि मैं अलग हूँ, मैं सेपरेट हूँ। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ताइवान की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने स्पेशल थैंक यू किया है इंडिया का कि आपका हमारे साथ देने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो इन सिचुएशन में पाकिस्तान को किसका साथ देना चाहिए, ताइवान का या फिर चाइना का? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को किसका साथ देना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये इसका आंसर है। आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले कई दहाइयों से चाइना हमारा अच्छा दोस्त है और चाइना ने हमारी हर अच्छे बुरे वक्त में हमारी मदद की है। रिसेंटली भी चाइना ने हमें मेरे ख्याल में कुछ अरब डॉलर दिए हैं, हमारे स्टेट में रिजर्व रखा है। तो मेरा ख्याल है कि चाइना, पाकिस्तान को चाइना का ही साथ देना चाहिए। सही, तो अभी रिसेंटली चाइना ने इंडिया को ये क्लेम किया कि नेहरू के साथ उनका एक मुआहदा हुआ था, वो मुआहदे के मुताबिक चाइना इंडिया ने ये क्लेम किया था कि हम वर्ल्ड बैंक को मानते हैं कि इंडिया एक ही है, इंडिया हमेशा एक ही चाइना को मानेगा, और चाइना ये कह रहा है कि आप उस मुआहदे पर पूरा उतरें और हमें तस्लीम करें आप लोग, और आप उसका साथ न दें, ताइवान का साथ न दें। तो इस बारे में इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया खुद मुख्तार मुल्क है, उसको अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताओ कि रिसेंटली एक लद्दाख में मेरे ख्याल में इंडिया और चाइना की अच्छी खासी झड़प हुई है, एक उसको मिनी जंग का नाम भी दिया जा सकता है। तो अगर एक बंदा मेरे साथ जंग कर रहा है या कोई पर्सन या कोई कंट्री, तो मैं उसका साथ थोड़ी दूंगा। तो अगर इंडिया ताइवान का साथ दे रहा है तो मेरे ख्याल में वो ठीक कर रहा है। अच्छा, लद्दाख से याद आया, ये बात तो सही है कि 2 साल से वहाँ पे तनाव बरकरार है, और ये जो मिनी जंग कह रहे हैं, ये मिनी उनी जंग कुछ नहीं थी, एक छोटी सी झड़प हुई थी, गलवान क्लैश उसको कहते हैं, इसलिए क्लैश कहते हैं, मिनी वॉर नहीं कहते हैं, क्लैश कहते हैं। और हाँ, लद्दाख से याद आया कि पाकिस्तानी बड़े मेरे कमेंट्स में आते हैं कि जी लद्दाख तुम्हारे हाथ से चला गया, तुम लोग छुपाते हो, तुम लोग ये करते हो, पैंगोंग लेक चला गया जहाँ पर शूटिंग हुई थी, वो कौन सी फिल्म थी यार, वो आमिर खान वाली जो भी थी, तो ये वो आज ही वीडियो आया है लद्दाख में पैंगोंग लेक में एक नई बोट हमने इंडियन आर्मी ने उतार दी है जो ट्रूप्स को लेकर जा सकती है और बहुत तेज़ी से बहुत सारे ट्रूप्स को लेकर बहुत जल्दी पहुंच सकती है। तो भाई जो लोग ये कह रहे थे कि पैंगोंग लेक पर चीन का कब्जा हो गया है और लद्दाख तो चीन के हाथों में चला गया है, तो इन वीडियो को देख लीजिए और फिर अपनी जलती हुई जो दिल हैं उन पर थोड़ा ठंडा पानी डालिए। आगे बढ़ते हैं।
है, इससे जो से इंडिया और जो से उसके दरमियान चाइना के दरमियान जो ट्रेड होता है, इससे उनको मसला नहीं होगा? देखें, ये एक और बात है, बिजनेस करना एक और चीज़ है, जब एनिमी के अंदर आप किसी एक पार्टी का हिस्सा बनते हैं वो एक और चीज़ है। अगर आपने बिजनेस करना है तो उस लिहाज से इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज भी पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया का साथ देते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट है। एग्जैक्टली, इस पर कोई शक नहीं है। रिसेंटली अभी जो से इंडिया ने चाइना के जो से 15,000 रुपये से कम फ़ोन थे उनको भी बैन कर दिया इंडिया के अंदर। अभी रिसेंटली और प्रोडक्ट्स के बारे में सोच रहा कि इनको भी चाइना के प्रोडक्ट को बंद कर दिए जाए। आपको नहीं लगता कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, अगर इस तरह करता तो चाइना के जो से हालात वो ख़राब भी हो सकते हैं आगे? यार तुम, मैंने क्या सी क्वेश्चन है तुम्हारे यार, वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है चीज़ें, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं कहता हूँ हमको भी करना चाहिए और हम खुद प्रोड्यूस करें, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, मिनी यहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। इवन देन के मैं कहता हूँ जैसे चाइना ने ग्रो किया होम इंडस्ट्री के थ्रू, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा यंग पावर है, इतनी ज़्यादा यंग लोग हैं, इतनी ज़्यादा यंग वो हैं, तो ये तो हमको भी करना चाहिए। इंडिया ने किया तो बहुत अच्छा किया। मतलब कि उनके जो प्रोडक्ट पर बैन लगा दी, पाबंदी कर दी, वो बहुत अच्छा है? नहीं है, वो खुद मुख्तार होने जा रहे हैं और वो खुद बना रहे हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? स्टॉप कर दिया ना, तो ठीक है यार, मैं एक चीज़ खुद बना रहा हूँ तो मैं बाहर से क्यों खरीदूंगा यार? नहीं, बात आपकी, मैं आपके पॉइंट को समझ रहा हूँ कि जो चीज़ अगर मैं खुद प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ तो मैं उनकी प्रोडक्ट को ब्लॉक कर दिया भाई, इसलिए मैं उनकी चीज़ें बंद करूँगा तो मेरी कोई चीज़ खरीदेगा ना? मैं समझ गया, मैं समझ रहा हूँ आपको। तो मतलब कि आपका कहने का मकसद है कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया, आप खुद मेड इन, खुद का अभी इंडिया रिसेंटली मेड इन इंडिया के ऊपर भी काम कर रहा है, सुई से लेके जहाज तक वो अपना खुद का प्रोड्यूस कर रहा है। आपको एक थोड़ा सा ऐड करूँ, मैं अभी जनवरी के अंदर दुबई में था जी, मेरे पास वीडियो मौजूद है, वहाँ पे अर्ब हेल्थ लगती है, एक बहुत बड़ा फेयर होता है, ये एक एग्जीबिशन है जो कि मेडिकल के रिलेटेड होती है। वहाँ पे आप यकीन करेंगे पाकिस्तान का सिर्फ एक स्टॉल था, और वो भी ये इंस्ट्रूमेंट सियालकोट के बने हुए, और इंडिया की पूरे का पूरा हॉल थे, मेरे पास वीडियो मौजूद है। इतने लेटेस्ट फ्यूचर वो खुद बना रहा है, वो कार्डिक मॉनिटर वो खुद बना रहा है, वो हज़ारों चीज़ें खुद बना रहा है। ये जो होता है ना हमारे बॉर्डर के ऊपर आ जाएँ, वाघा बॉर्डर पे, गंडा सिंह बॉर्डर पे टांगे उठा उठा के हम वो मुकाबला कर रहे होते हैं, तो हमें उनका मुकाबला टेक्नोलॉजी में करना चाहिए। उन्होंने अभी ड्रोन पर काम कर रहे हैं, ड्रोन को इंडिया अभी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर। जाहिर है वो बना सकता है भाई, उसकी लेबर बहुत इकोनॉमिकल है, ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में उसको बाकी चीज़ें सारी बहुत इकोनॉमिकल मिलेंगी, तो उसको करना चाहिए। और पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे, पाकिस्तान से बाहर से इन्वेस्टर क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते, क्या वजूहत है इसके, और क्या फैक्ट लगता है आपको कि अभी रिसेंटली जो कि हमारे जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर होना यार, टॉपिक आप टॉपिक से हट के चले गए सारी चीज़ें, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक और चीज़ है, पाकिस्तान में क्यों नहीं कोई आ रहा, सबको पता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो किसी से लुकी छुपी है, कोई यहाँ पे आप देखें ना, पंजाब में गवर्नमेंट पीटीआई की है, केपीके में पीटीआई की है, और ऊपर वफाक में नून लीग बैठी हुई है, आपस में बन रही है, कहना चाह रहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे, तो क्यों कोई क्यों आएगा इस तरह के उस घर में, कोई क्यों आएगा जिस घर के सारे लोग एक दूसरे के जान को वो हुए हैं, वहाँ कोई आता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए? क्या समझते हैं आपके, अगर चाइना दे देता, इंडिया दे देता चाइना का साथ, तो ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा, फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, इंडिया का स्ट्रेटजिक पार्टनर सब कॉन्टिनेंट में इंडिया है अमेरिका का, तो वो अपना पार्टनर भी लूज़ कर सकता है अगर उस केस उसने वायलेट किया चाइना का साथ देकर अमेरिका को छोड़ के। अच्छा जी जी, तो अगर ऐसे हो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो उनसे हालात हैं इंडिया के, ये ठीक होने चाहिए या नहीं? ठीक होने चाहिए, मैं समझता हूँ दुनिया में कहीं पर भी अभी देखें, नज़दीक आ जाओ ना, दूर क्यों जा रहे हो मेरे से यार? इंडिया के साथ तो अभी ताल्लुकात सही होने चाहिए, क्योंकि हमारे जो है ना देखें गुर्बत इतनी ज़्यादा है, हमारे पास भी है, इंडिया के पास भी है, और इंटरेस्ट में नहीं है किसी के भी, दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, लड़ तो नहीं सकते, इसीलिए बस ये छोटा मसला है कश्मीर का, इसको रिजॉल्व किया जाए विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ममालिक के, उनके मुताबिक रेफरेंडम कराया जाए कश्मीर में, बस लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क गरीब हैं, दोनों के पास अभी वसायल नहीं है इतने कि वो एक जंग अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। दोनों मुल्क गरीब हैं। गरीबी से याद आया, ये गली गली देश देश भीख मांगने कौन जा रहा है, कहाँ के लोग भीख मांग रहे हैं?
कहाँ के लोगों पर, कहाँ किस, कहाँ कौन सा ऐसा देश है जिस पर अरबों डॉलर्स का कर्जा चढ़ चुका है, कौन सा ऐसा देश है जो कर्जों के लिए भागा भागा फिर रहा है, आईएमएफ से मिन्नतें कर रहा है, आईएमएफ के सुर पर नाचने को तैयार क्या नाच रहा है बकौल आप ही के नेता, तब भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। और एक वो देश है जो 3,500 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, मतलब आसान शब्दों में कहूं तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने जा रहे हैं और वो गरीब है। आईएमएफ कहता है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया ने 1% से भी नीचे कर दिए, वो देश गरीब है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 34% पाकिस्तान में लोग गरीब हैं, वो देश अमीर है। गजब कॉन्ट्राडिक्शन है भाई, बबल से निकलिए आप लोग। और थोड़े उन भाई साहब ने मुजम्मिल भाई को थोड़ा सा नर्वस कर दिया, बोले कि जी टॉपिक पर आओ। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में है ये बात कि वो अक्सर टॉपिक से भटक जाते हैं। बात हो रही थी इंडिया चाइना एंड ताइवान और बीच में उसमें कश्मीर, बीच में इन्वेस्टमेंट, बीच में बिजनेस, ये बहुत सारी चीज़ें। खैर मैं भी नहीं भटकता हूँ, मैं वापस आता हूँ टॉपिक पर, चीन ताइवान इंडिया। देखिए इंडिया का स्टैंड बिल्कुल साफ रहा है। मुझे याद है कि पिछले 17-18 सालों से इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी या टर्म जो भी कहें उसका नाम तक नहीं लिया, जिक्र तक नहीं किया। जो ताजा बयान भी आया हमारे विदेश मंत्रालय से, उन्होंने भी यही कहा कि भाई ऐसा है कि ताइवान के खिलाफ कोई जाके एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकता, एक तरफा स्टेटस को नहीं बदल सकता, इसलिए जरूरी है कि सब लोग अपनी हदों में रहें और अपने हिसाब से काम करें। तो जाहिर सी बात यह चीन के लिए बात कही गई थी, इसमें भी वन चाइना पॉलिसी का जिक्र नहीं हुआ। और क्यों करेगा भाई, आप देखिए हमने क्वाड बनाया, वो चाइना के खिलाफ है ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका, दुनिया के 4 बड़े और पावरफुल देश चीन के खिलाफ हैं। इसके अलावा भी हम जहां जहां हमें मौका मिल रहा है हम वहां पे चीन के खिलाफ करते हैं, और चीन भी तो यही कर रहा है। चीन ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के 2 आतंकी थे उनको हमने यूएन में लिस्टेड कराना था, उन्होंने चाइना ने उस पर वीटो लगा दिया, चाइना ने उसको रुकवा दिया। तो चाइना कौन सा अच्छा काम कर रहा है भाई, और चाइना की बात क्यों इंडिया सुनेगा। इंडिया अपने हिसाब से काम करेगा, और ताइवान के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं और इसीलिए ताइवान के सपोर्ट में इंडिया खड़ा है। ताइवान से हमने हाल ही में अभी सेमीकंडक्टर की डील की है, बहुत सारी डील्स की हैं, और आने वाले भविष्य में ताइवान और इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी करने जा रहे हैं। हो सकता है कि कल को ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो ताइवान खरीद ले और वहां पर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होगी। ब्रह्मोस वैसे ही ब्रह्मोस से बहुत चढ़ता है वो। तो अभी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ हो चुका है। तो चाइना लग रहा था ना कि चाइना की जी नहीं, मैं तो अपनी दादागिरी चलाता रहूंगा, तो चाइना की दादागिरी चलने वाली नहीं है। और चूंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना के पक्ष में है, पक्ष लेता रहता है, तो इसमें तो पिसेगा पाकिस्तान भी। तो चाइना की इकोनॉमी तो बहुत बढ़िया है, वो तो चलिए समझ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।